आज का टॉपिक हर वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है, विश्व विकलांग दिवस। विकलांग दिवस इसको मनाने का एक ही उद्देश्य है कि जो लोग हमारे समाज में हमारे आसपास रहते हैं उनको सम्मान दिया जाए, उनसे स्नेह किया जाए, ना कि उनके ऊपर दया की जाए या कृपा की जाए। जो ऐसे लोग होते हैं जिनमें कमियां होती हैं शारीरिक या मानसिक तौर पर, वो बड़े ही प्रतिभाशाली होते हैं। एक तरफ देखा जाए कि भगवान ने उन्हें कमियां जरूर दी हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ उनमें जज्बा, हौसला, हिम्मत, कुछ कर गुजरने का उनमें अंदर जो जुनून होता है वो कूट कूट कर भरा होता है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं समाज में, जैसे कि हेलेन केलर जो बिल्कुल ही आंखों से अंधी थी। इन लोगों ने ये बताया है कि इनकी जो अंदर जो प्रतिभा है वो किसी की भी मोहताज नहीं है, कोई भी बाधा जो है रुकावट इनकी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। इन्होंने वो कार्य कर दिखाए हैं कि जो आम इंसान नहीं कर सकते। प्रतिभाशाली ये इनको आम आदमी से खास बनाते हैं। तो बच्चों, हमें इनका मजाक कभी नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम लोग इन लोगों से बिल्कुल अलग हैं। हमें भगवान ने हाथ पैर सब कुछ अमूल्य जो हैं हमारे शरीर के अंग दिए हैं, लेकिन हम फिर भी उनका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं और ऐसे लोगों का हम मजाक उड़ाते हैं। ऐसे मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए। इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी और ऐसे लोगों को मैं दिल से शत शत नमन करूँगी कि जो लोग एक प्रेरणा बनकर हमारे समाज में रह रहे हैं। कहूँगी मैं, अपनी ही कमजोरियों की बनाकर अपनी ही ताकत, अपनी ही कमजोरियों की बनाकर अपनी ही ताकत, दुनिया में बेमिसाल इतिहास रच देते हैं। ऐसी दुनिया को शत शत नमन, शत शत नमन। थैंक यू।